हाई फ्रेंड्स वेलकम टू दरबार समयल इनके रेसिपी पाकपो पाती रोम सिंपलान मेतड और पनीर ग्रेवी रेसिपी पाकपो वीडियो को इं वो पनीर करी रेडी पड़ा अद्क वो पेन एको अल पनीरे वो फ्राई पड़क ना पनीर पाती ना सेतुक वाणा नहीं कुछ उपना सेक ना ये सेक जस्ट वो क्यूब शेप कट पड़े अब ना फ्राई पड़िटे वाणा नहीं कुछ उप सेटेटे अब फ्राई पड़ेंगे इपड़े एलिए रेचा ना फ्राई पड़ी करें और नूर ग्राम पनीर एटेंटा गोलन कलर आगे वाक पड़े अब तनिया वचिड़ेंगे इे पेन अंत वह नम व मल मल मुल मल वह सेतको अब सोब अब जीरकम इवर टी स्पून सेतुक अब रे पट मूणु पूटा फ्राई पड़े अद्रम रे तक वह क्यूब शेप कट पड़ी सेतको அதையும் வந்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி கொடுத்துக்கணும் அது நல்லா மசியற வரைக்கும் நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயில வந்து வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இது அப்படியே வந்துட்டு ஆற விட்டுட்டு அதை அரைச்சு எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ அதே இன்னொரு panல வந்துட்டு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா கடுகும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கியூப் ஷேப்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்தறலாம் அதையும் நல்லா வந்து வதக்கி கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து காரத்துக்கு தக்கன வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கலாம் வெறும் காரத்துக்கு வந்து நம்ம வத்தல் பொடி தான் சேர்த்துக்கிறோம் சோ எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுக்கு கரெக்ட்டா சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்த்து வந்து நல்லா வந்து வதக்கி கொடுத்துறணும் அது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு इतना नम अरे वे पेस्ट वो सेतरल इंब वो मल तक वो ना पेस्ट अरेचिटे वो सेतिकटे फर्स्ट वो तीम सेतकाम और रे निम्स ना वो वदको अदक्रम नम्बर तनी सेक कुी वेमो अवक सेको तन्नी एलामे सेताच्छे इप्पो वंदु उप्पु सेत्तरंगा एल्ला मिक्स पन्नी नल्ला वंदु कोदिच्चु वंदाच्छे इप्पडी नल्ला रेंडु निमिषम कोदिच्चु वंददुक्कप्पुरमा अंद साइड्स ला पाथींगन्ना आयिल ला सेपरेट आयि वर आरंभिक्कुम अदु वरैक्कुम वंदु नल्ला वंदु कोदिक्क विट्टरणुम अदुक्कु अप्पुरमा वंदुट्टु ना ओरु कप तेंगाव वंदुट्टु नल्ला गेट्टिया अरैच्चु अदै सेर्त्तुक्करेन वेरुम तेंगाव फर्स्ट सेतु और दौ ना मिक्स पड़ी को वदक ना वदंगन ती सेक पचवासम कोनम ती सेको सेतु ना को विटर ना को वर्दमा नम्बर फ्राई पड़ी वचर पनीर सेतरल सेतु ना मिक्स पड़ी कुरल நல்ல mix பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கவர் பண்ணி அப்படியே cook பண்ணிருங்க 5 நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பன்னீர்லாம் நல்ல சூப்பரா ரெடி ஆயி வந்திருச்சு லாஸ்ட்ல வந்து மல்லி இலை சேர்த்துட்டு அப்படியே இறக்கிற வேண்டியதுதான் சிம்பிளான பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீனா கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक यू